हाय, गुड मॉर्निंग सर. मैं माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्श राइनोप्लास्टी सेंटर. सर, आज हमारे साथ विजेंद्र जी हैं. विजेंद्र जी की नोज़ सर्जरी हुई है एंड इनकी सर्जरी जो है नोज़ की काफ़ी फ्लैट नोज़ थी. मैं आपको इनकी जर्नी बताऊंगा, बट सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं क्योंकि आज हमने इनका प्लास्टर हटाया है. सो कैसी इनकी जर्नी रही, कैसे इनको पता लगा? विजेंद्र जी, आप बताओगे अपने बारे में? सबसे पहले तो नमस्ते. बेसिकली मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था, लेकिन लास्ट के अंदर पापा की वजह से सर का पता लगा और फिर यहाँ पर आए. और बिफोर और आफ्टर के अंदर आज ड्रास्टिक चेंज है, बिल्कुल जो लग रहा है कि हाँ, जिसको देखते हैं कि ज़मीन और आसमान का अंदर है. आप अपने नाक से खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं. अच्छा, तो आपने आपने जो है सर्जरी के लिए जैसे डिसाइड किया, तो उस टाइम पे दिमाग में ऐसा नहीं आया पता नहीं क्या सर्जरी सही होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली ऑपरेशन में जाने से पहले भी काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था, लेकिन आज इसको देख के लगता है कुछ हुआ ही नहीं है. कुछ हुआ ही नहीं. सो दोस्तों, जो हर एक पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, इनके जो फादर हैं सर का, इनमें बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इनसे बात करते हैं सर से. हाँ सर, आपकी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, आप बताओगे विजेंद्र जी की? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेडिकेट होके और इसको परफॉर्म किया है ऑपरेशन को. एक्चुअल में बचपन से इसको प्रॉब्लम थी, चोट लगी हुई थी, तो काफ़ी दिनों से रिजर्व नेचर और काफ़ी डिप्रेस हो रखा था. कई जगह सुना, कई जगह से हमने ट्राई किया, फिर सर के रिव्यूज़ देखे, क्योंकि जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ तो काफ़ी कुछ पता लगी, मालूम चला. तो फिर लास्ट में डिसाइड किया कि करवाना तो यहीं से है सर से, और सर ने बहुत मेहनत की इसके अंदर. और आज मैं देखता हूँ तो बच्चे की लाइफ मेरे ख्याल से ठीक से ही है, आगे वो सर्वाइव कर पाएगा. जो डिप्रेशन था वो ख़त्म हो जाएगा, और पहले में और आज में दिन और रात का फ़र्क हो गया है. तो बाय बर्थ जो नोज थी उससे कहीं बेटर अभी महसूस हो रही है. सर, एक बड़ी एक बात है कि जैसे अभी जैसे आपने विजेंद्र का नोज ठीक कराया है, नाउ ही इज हैप्पी. अभी भी अपने समाज में है ना, दूर दराज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मन में भी ऐसी कुंठा होती है कि मेरा भी नाक सही होना चाहिए, तो उनके भी पेरेंट्स के लिए क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहोगे? डेफिनेटली सर, मैं मैसेज भी दूंगा और पर्सनली जो व्यक्तिगत मेरे संपर्क में हैं मैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये जीवन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है और इसी से आदमी ठीक से खुल के बात कर पाता है, और नहीं तो वो डिप्रेशन में होकर रिजर्व नेचर में चला जाता है. तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार जो भी जिसको प्रॉब्लम है नोज से रिलेटेड इस टाइप की, तो एक बार सर से ज़रूर आके मिले, और इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको कहीं और नहीं मिल सकता. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन रहेगी कि एक बार ज़रूर आके संपर्क करें यहाँ पर. थैंक यू सर. दोस्तों, सर ने बहुत एक अच्छी एक बात बताई है. जीवन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बड़े होनहार हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई नाक की जो विकृति है, चाहे वो टेढ़ा नाक हो चाहे फ्लैट नोज हो, एक बार दिमाग में बच्चे के बैठ जाती है, वो सोशल कट ऑफ हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता. एंड उसके दिमाग में भी लगता है कि मैं भी सबकी जैसे जाऊँ, लेकिन वो उसको लगता है कि जब भी वो अपनी पिक लेता है तो उस नोज़ पे उसका पूरा करियर फोकस हो जाता है. मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं एंड बेचारे मानसिक दवा भी लेने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे भी होते हैं. इसलिए क्या है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको पहली बार ठीक कराना चाहिए. एंड सबसे बढ़िया बात क्या है कि इम्पोर्टेंट बात जिसको हम बोलेंगे, आपको अगर नोज ठीक कराना है चाहे मेरे दूरबीन में कराएं चाहे और भी कहीं पे भी कराएं, लेकिन आप अपना जो डॉक्टर जो चुन रहे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्योंकि आपकी जो विकृति है वो उस डॉक्टर के कंफर्ट जोन में आ रही है कि नहीं, यानी वो उसको करने के लायक सक्षम है कि नहीं है. दोस्तों, हम सर्जरी कराते हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए कराते हैं, तो कम से कम हमारा अच्छा या कम से कम पहले से बेटर हो जब भी कराने का मतलब है, पता लगा उससे भी ज़्यादा हमारा ख़राब हो गया. सो इसमें डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है.
इन्होंने क्योंकि ये जयपुर से हैं, सारा हर बारे में हर डॉक्टर के बारे में जान जाते हैं, पता लगता है, इन्होंने मेरे पे विश्वास किया एंड हमने काफ़ी अथक प्रयास से, क्योंकि इनका चोट के कारण जो बोन का पार्ट था वो काफ़ी फ्लैट हो गया था। अगर हम ये नोज़ देखते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी क्या है, देखो आप, ये इतना गैप था इसके अंदर। अब ये ऐसा नोज होता है तो हर आदमी नहीं चाहता, वो अटेंड भी नहीं करना चाहता सोशल फंक्शन, तो ये नोज पूरा फ्लैट था। आज हमने क्या इनकी सर्जरी की, हमने रिब का पार्ट लिया, सारा लिया, क्योंकि यह इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हम लेते हैं कि आपको रिब का पार्ट लेना पड़ेगा, पेशेंट के दिमाग ख़राब हो जाता है, अरे सर रिब लेंगे तो कैसे। आज विजेंद्र जी अगर आर्मी में जाना चाहें, एयरफोर्स में जाना चाहें, दुनिया में वो काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। एंड जो हमने रिब में भी लिया है उसमें कहीं कोई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिब जो लिए, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई बाहर से दोस्तों कोई टांका भी नहीं खोलना पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन इंसान को एक बार मिलता है तो कुंठा से नहीं जिए, आपकी जो समस्या है। एंड ये मैसेज उन जो पेरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने दिमाग में ये बिठा रखा है कि नहीं इसका इलाज नहीं होता, इलाज होता है, आपको डॉक्टर फाइंड करना है एंड उसका उपयुक्त ट्रीटमेंट कराना है। एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर।